हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब वीडियो में सेव सॉइल मूवमेंट। आप में से अधिकतर लोगों ने सेव सॉइल का नाम अभी काफी बार सुना होगा। काफी सारे लोग अपने स्टेटस पे लगाते हैं, अपनी स्टोरी के ऊपर लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते आखिर ये है क्या चीज़ सेव सॉइल। सेव सॉइल के मतलब रोज काफी सारे लोग तो इतने तरीके डेवोटी है कि वो डेली स्टेटस लगाते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में समझ नहीं पा रहे, इसके बारे में जान नहीं पा रहे एक्चुअल में सेव सॉइल है क्या। सर्च करते हैं तो उनको कुछ डिटेल्स मिलती है, तो उनको कुछ पता चलता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ कि सेव सॉइल है क्या और किस तरीके से हम अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं, और एक्चुअल में अगर हमारे सेव सॉइल की कैंपेन से जुड़ना है तो किस तरीके से जुड़ा जा सकता है, और ये कैंपेन किसने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंपेन स्टार्ट कैसे हुआ। तो सेव सेल मूवमेंट सदगुरु द्वारा स्टार्ट किया गया एक ऐसा कैंपेन है जिसमें हम सबको जुड़ना चाहिए। जुड़ना क्यों चाहिए? क्योंकि ये हमारे से रिलेटेड है, मिट्टी से रिलेटेड है। मिट्टी जिसकी वजह से आज हम जीवित है वो आज धीरे धीरे मरती जा रही है। तो कैसे मिट्टी मरती जा रही है और हमारे को क्यों जरूरत है आज की डेट में मिट्टी को बचाने की। तो दोस्तों, पिछले 25 से 30 सालों के अंदर 80% से ज्यादा मिट्टी में से बायोमास जो कीड़े हैं वो मर चुके हैं। बायोमास कीड़े मर जाने का मतलब है मिट्टी का उपजाऊ नहीं होना, और जैसे जैसे ये बायोमास कीड़े मर रहे हैं उसके हिसाब से धीरे धीरे मिट्टी जो है वो रेत में परिवर्तित हो रही है। रेत में परिवर्तित होने का मतलब क्या हुआ? क्या मिट्टी और रेत अलग अलग है? तो ये चीज भी आप समझना। मिट्टी वो होती है जिसके अंदर कार्बनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन रेत वो होती है जिसके अंदर कार्बनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। अगर मिट्टी में से कार्बनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हटा दिया जाए तो वो रेत बन जाएगी, और जिस तरीके से बायोमास कीड़े मर रहे हैं तो उसकी वजह से ऐसा देखा जा रहा है कि जो मिट्टी में कार्बनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और मिट्टी जो है वो रेत की तरफ परिवर्तित होती हुई नजर आ रही है। तो अब हमारे को क्या करना है? तो मिट्टी को बचाने के लिए हमारे को सबसे पहले जरूरत है वो चीजें करना जो कि हम नेचुरल में कर सकते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। वो एक तो चीज है अवेयरनेस फैलाना, जो कि सदगुरु कर रहे हैं। सदगुरु साथ में और भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं। पूरी दुनिया के लोग जिस दिन जुड़ जाएंगे उस दिन ये अवेयरनेस काफी ज्यादा फैल जाएगी, और हर गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट कुछ ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो पहला काम तो यह है। दूसरा काम यह है कि आप अपने आसपास पेड़ लगा सकते हैं। मिट्टी को एक जो नेचुरल छाया होती है उसके अंदर रखा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे जाएंगे तो मिट्टी को नेचुरल छाया में रखा जा सकता है, और उसकी वजह से जो मिट्टी अभी की डेट में बची है जिसके अंदर बायोमास कीड़े अभी भी है उनको वापस सेव किया जा सकता है। उन बायोमास कीड़ों को मरने से रोका जा सकता है, और मिट्टी को रेत में परिवर्तित होने से भी रोका जा सकता है। आज सदगुरु मिट्टी को बचाने के लिए 30,000 किलोमीटर की बाइक राइड कर रहे हैं। 30,000 किलोमीटर की बाइक राइड करके वो अलग अलग देशों में घूम रहे हैं। अलग अलग देशों में वो अलग अलग गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। हर देश की गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम मिट्टी को बचा सकते हैं, और उनको क्या प्लान ऑफ एक्शन करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने देश के अंदर किस रूल और रेगुलेशन को लाना चाहिए जिसकी वजह से मिट्टी को बचाया जा सकता है। साथ में वो लोगों में भी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कैंपेन से काफी सारे लोग, काफी सारे सेलिब्रिटीज भी अभी जुड़ चुके हैं। आप भी इस कैंपेन से जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, consciousplanet.org के नाम से वेबसाइट है, इस पे जाके आपको एक्शन नाउ पे क्लिक करना है। जिसे आप एक्शन नाउ पे क्लिक करोगे तो आप इसके कैंपेन से जुड़ जाओगे, या फिर आप सेव सॉइल के नाम से जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट है, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, टेलीग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे जो सेव सॉइल के ग्रुप्स है इनके अंदर ज्वाइन होना है। इनके अंदर ज्वाइन होने के बाद वहां पे जो पोस्ट आती है उनको अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर करना है, स्टोरी लगानी है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेव सॉइल के बारे में जान सके, क्या है सेव सॉइल मूवमेंट और किस तरीके से वो मिट्टी को बचा सकते हैं। बाकी दोस्तों, एक कैंपेन और चल रहा है, वो चल रहा है ट्विटर के ऊपर। उस ट्विटर के कैंपेन के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको अपने ट्विटर अकाउंट से जो सदगुरु डेली ट्वीट कर रहे हैं उस ट्वीट को और ट्वीट करना है, ना कि रीट्वीट करना है। वो कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लेना। दोस्तों, कुछ लोग सेव सॉइल मूवमेंट के बारे में जान चुके हैं, सेव सेल मूवमेंट क्या है ये भी अच्छे से उनको पता चल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग नहीं जुड़े हैं तो वो ये चीज भी समझना कि अगर सेव सेल मूवमेंट के अंदर नहीं जुड़ा गया और हमारी मिट्टी को नहीं बचाया गया तो आने वाले टाइम में क्या क्या क्राइसिस हो सकती है। सबसे बड़ी ग्लोबल फूड क्राइसिस, ये क्या हो सकता है? आज की डेट के अंदर 2 बिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से काफी सारी बीमारियों से ग्रस्त है, और काफी सारी बीमारियां उनको होती चली जा रही है। और आने वाले टाइम के अंदर ये जो आंकड़ा है, अगले 20 साल के अंदर अगर सेव सॉइल नहीं किया गया, मिट्टी को नहीं बचाया गया, जैव मास जो कीड़े मर रहे हैं उनको नहीं बचाया गया,
तो आने वाले टाइम के अंदर, अगले 20 सालों के अंदर, ये जो आंकड़ा है 2 बिलियन से 9.8 बिलियन तक पहुंच जाएगा और एक ग्लोबल फूड क्राइसिस होगी जिसकी वजह से देश के अंदर ही गृह युद्ध शुरू हो सकते हैं। और दोस्तों फूड क्राइसिस के साथ में यहाँ पे पानी की भी कमी हो सकती है। अगले 20 सालों के अंदर बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हो सकता है अगर हमने मिट्टी को नहीं बचाया तो। बाकी और भी काफी सारी डिटेल्स के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो consciousplanet.org पे जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पे काफी अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है हर चीज को, किस तरीके से सेव सोइल मूवमेंट में जुड़ना है उसके लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी ट्विटर हैंडल से किस तरीके से आपको जुड़ना है वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर बता दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो के अंदर भी जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि सेव सॉइल मूवमेंट है क्या और आपको किस तरीके से जुड़ना है। एक बार वापस बता देता हूँ, आपको सेव सॉइल मूवमेंट से जुड़ना है तो आप consciousplanet.org के नाम से जो वेबसाइट है उस पर जाके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको काफी कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, बाकी इनके सोशल मीडिया से जुड़ के उन पोस्ट को शेयर करके भी आप सेव सॉइल मूवमेंट से जुड़ सकते हैं और एक अवेयरनेस फैलाने का काम कर सकते हैं। आज की डेट के अंदर जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जाएगी सेव सॉइल को लेके, उतना ही ज्यादा हमारे लिए आने वाले फ्यूचर के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि ये बात और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और भी ज्यादा लोग इससे अवेयर हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।